प्रदेश भर में धूमधाम से उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। इसी क्रम में कानपुर जनपद के अरमापुर पीजी कॉलेज में यूपी का 71वां स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ एनएसएस के स्वयंसेवकों द्वारा वंदे मातरम से हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत में प्राचार्य मुकेश कुमार सिंह ने सभी को स्थापना दिवस की बधाई दी। इसके बाद कॉलेज के तमाम शिक्षकों ने अपने विचार रखे और यूपी के विकास में अध्यापकों और छात्रों की क्या उपयोगिता है, इसका भी बखान किया गया। मनाने जा रहे हैं 24 जनवरी को अगर मनाया जा रहा है तो इसके पीछे क्या हमारा उद्देश्य होगा। प्रत्येक छात्र छात्राएं और आज का नौजवान अपना जन्मदिन मनाता है, तो क्यों नहीं हम जिस प्रदेश के निवासी हैं उसके बारे में कुछ जानने का प्रयास करें। तभी उसके प्रति हमारी संवेदना जागृत होगी, तभी उत्तर प्रदेश का विकास करने के लिए हमारे अंदर भावना का जन्म। पूरे कार्यक्रम और यूपी के विकास में अध्यापकों और छात्रों की क्या उपयोगिता है, इसका भी उल्लेख किया गया। कार्यक्रम का संचालन हिंदी विभाग की विभागाध्यक्ष गरिमा जैन ने किया। अभी ज्यादा जानकारी आपको इस संबंध में हमारे राजनीति विभाग के अध्यक्ष देंगे, और लेकिन मैं तो एक सूचनात्मक क्षेत्र में आपसे बात कर रही हूँ। तब से लेकर आज तक हम 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस मनाते हैं, और 24 जनवरी 1950 से पहले ये राज्य वहीं एनएसएस के कार्यक्रम अधिकारी व राजनीतिक विज्ञान के विभागाध्यक्ष विजय मिश्रा ने यूपी के राजनीतिक महत्व पर प्रकाश डालते हुए संवैधानिक प्रतिनिधित्व पर चर्चा की। इस दौरान कपिल दीक्षित, हरनाम सिंह, शीतांशु प्रभाकर सिंह, विवेक सिंह, प्रदीप कुमार यादव समेत बड़ी संख्या में अध्यापक और कर्मचारी उपस्थित रहे।